नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रशिया से आ रही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। कल यानी कि 15 जनवरी 2020 को रशिया के प्राइम मिनिस्टर दिमित्री मेदवेदेव ने अपनी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ इस्तीफा दे दिया और उसके पीछे रीज़न यह है कि व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान प्रपोज किया है, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव सुझाए हैं रशिया के पॉलिटी से रिलेटेड, रशिया के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो क्या है ये बदलाव और क्यों इसके कारण प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, ये बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की इन आईडीज पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स और पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का पेनड्राइव कोर्स सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप आने वाले 5.5 महीनों में भी आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अगर आप 100% टाइम एंड एफर्ट अपना इसे देते हैं। तो ये है व्लादिमीर पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति, और पिछले 20 सालों से यानी सन 2000 से ये रशिया को लीड कर रहे हैं, या तो राष्ट्रपति के पद पर या फिर प्रधानमंत्री के पद पर। तो व्लादिमीर पुतिन एक स्ट्रांग मैन माने जाते हैं और ये किसी ना किसी तरह से पावर में रहे हैं पिछले 20 सालों से, और ये स्वीपिंग रिफॉर्म्स जो ये लेकर आए हैं, ये माना जा रहा है कि भविष्य में भी अपनी पावर को अपने हाथ में रखने का ये एक तरीका है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, हालांकि आबादी यहाँ की 15 करोड़ है पर साइज बहुत बड़ी है। रशिया का साइज कितना है, ऑलमोस्ट 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि भारत केवल 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया है भारत का, और रशिया का एरिया ऑलमोस्ट 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो इतने बड़े देश को लीड करना 20 सालों तक व्लादिमीर पुतिन ने ये काम किया है, और आने वाले कुछ सालों में 2024 में जब इनका रिटायरमेंट होगा उसके बाद रशिया की क्या स्थिति रहेगी वो काफी हद तक इन रिफॉर्म से डिसाइड होगा। तो जिस तरह से यूएसए में प्रेसिडेंट का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है हर साल, वैसे ही रशिया में एक फेडरल असेंबली एड्रेस होता है जहां पर राष्ट्रपति वहां के पार्लियामेंट को संबोधित करते हैं, सारे टॉप मिनिस्टर्स होते हैं वहां पर। तो ये एक एनुअल एड्रेस है, हर साल होता है, और इस साल का जो ये एनुअल एड्रेस था उसमें एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया पुतिन द्वारा, जिसमें कई रेडिकल चेंजेस सुझाए गए हैं पूरे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को बदलने के लिए, और इन रिफॉर्म्स को तेजी से लाने के लिए रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी पूरी काउंसिल ने इस्तीफा दे दिया है ताकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने इन रिफॉर्म्स को आसानी से लागू कर सकें। पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं तो ऐसा क्या पावर उनके पास है जिसके कारण उन्हें इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, इतना अथॉरिटेरियन भी माना जाता है? तो आप रशिया का एक बार बेसिक पॉलिटी स्ट्रक्चर समझिए। देखिए, रशिया में जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेस हैं, भारत में भी होता है जैसे राज्यसभा लोकसभा, वैसे ही वहां पर अपर हाउस है जिसका नाम होता है फेडरेशन काउंसिल, और लोअर हाउस को कहते हैं स्टेट ड्यूमा। तो स्टेट ड्यूमा में जो लगभग 450 सदस्य हैं वो चुनकर आते हैं, वो आते हैं लोगों के वोट द्वारा, और जो फेडरेशन काउंसिल के सदस्य हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकल गवर्नमेंट्स के, जैसे कि भारत में होता है कि राज्यसभा के सदस्य एमएलएज चुनते हैं राज्यों के, उसी तरह का कुछ सिस्टम रशिया में भी है। लेकिन भारत से उलट यहां पर प्रधानमंत्री इस पार्ट यहां पर मैक्सिमम मेजोरिटी लाने वाली पार्टी का नहीं होता है, यहां पर प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्टली जनता के द्वारा किया जाता है और प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सके। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो एक तरह से डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, और प्राइम मिनिस्टर के अलावा भी अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, पोजिशन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सभी प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट की जाती हैं। तो पार्लियामेंट है, कानून पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन राष्ट्रपति भी अपने कानून लागू कर सकता है अनटिल एंड अनलेस वो किसी अन्य कानून के साथ टकरा नहीं रहे हो, तो राष्ट्रपति नए कानून जारी कर सकता है। अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो रशिया का ये सिस्टम है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राष्ट्रपति कोई कानून नहीं बना सकता, हमारे यहां पर केवल संसद कानून बना सकती है। रशिया का संविधान 1993 में अडॉप्ट किया गया था जब सोवियत यूनियन यूएसएसआर का विघटन हो गया 1991 में, उसके बाद ये नया संविधान लागू हुआ रशियन फेडरेशन में, और इस संविधान में ये डिसाइड किया गया कि राष्ट्रपति का पद काफी पावरफुल होगा, प्रेसिडेंट विल बी द हेड ऑफ द स्टेट, मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होगी, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो एक तरह से यहां पर भी प्रेसिडेंट की जो चॉइस है वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हाँ, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट हमेशा ठप्पा लगाती है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, लेकिन आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्रेसिडेंट की चॉइस को पार्लियामेंट ने नकार दिया हो। एक और बात याद रखिए कि इस वक्त रशिया में प्रेसिडेंट का टर्म होता है 6 ईयर्स का, 6 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है, और पहले ये 4 साल हुआ करता था लेकिन 2008 में इसे बढ़ाकर 6 साल का टर्म कर दिया गया। एक और इंपॉर्टेंट बात
यहाँ के संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है कि कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए टर्म। तो आगे मैं आपको बताता हूं कि पुतिन कैसे इतने लंबे समय से राष्ट्रपति के पद पर बरकरार हैं। अब हम आते हैं रशिया के प्राइम मिनिस्टर पर। इस वक्त रशिया के प्राइम मिनिस्टर यानी कल तक थे दिमित्री मेदवेदेव। पिछले 8 सालों से ये प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे और अभी इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही पुराने साथी हैं, बहुत ही पुराने दोस्त माने जाते हैं। ये फोटो इनफैक्ट सन 2000 की है, जब व्लादिमीर पुतिन पहली बार राष्ट्रपति बने थे उस समय की ये फोटो है। तो आप देख सकते हैं मेदवेदेव कितने यंग नजर आ रहे हैं यहाँ पर, उस वक्त केवल ये 35-36 साल के थे। तो अब आप क्रोनोलॉजी समझिए कि ये दोनों कैसे पिछले 20 साल से रशिया के टॉप मोस्ट पदों पर रहे हैं। यहां पर एक कॉलम में मैं आपको बताऊंगा प्रेसिडेंट, दूसरे में प्राइम मिनिस्टर, यहां से मैं आपको बताऊंगा टर्म। तो साल है 2000, 2000 से 2004 के बीच में व्लादिमीर पुतिन थे प्रेसिडेंट, ओके। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मेदवेदेव नहीं थे, मेदवेदेव वॉज हिज चीफ ऑफ स्टाफ। एक तरह से आप समझ लीजिए जो बिल्कुल मेन ऑफिसर होता है, जैसे हमारे यहाँ पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, कुछ कुछ उसी तरह की पोस्ट है। तो चीफ ऑफ स्टाफ थे उस वक्त व्लादिमीर पुतिन के दिमित्री मेदवेदेव। फिर 2004 में फिर से व्लादिमीर पुतिन बनते हैं राष्ट्रपति और ये उनका सेकेंड टर्म था। तो अब कायदे से रशिया के संविधान के अनुसार 2008 के चुनाव में ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे बिल्कुल, तो इन्होंने प्रेसिडेंट के पद पर चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन पुतिन ने अपने खास व्यक्ति, अपने मेन असिस्टेंट दिमित्री मेदवेदेव को चुनाव लड़वाया और बना दिया प्रेसिडेंट। तो अब 2008 से 2012 तक रशिया का प्रेसिडेंट कौन था? दिमित्री मेदवेदेव। ये पहला टर्म था दिमित्री मेदवेदेव का एज अ प्रेसिडेंट। और पुतिन खुद क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि आप प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर के पद पर नहीं आ सकते। तो व्लादिमीर पुतिन बन गए 2008 से 2012 के लिए प्राइम मिनिस्टर। और जैसे ही मेदवेदेव प्रेसिडेंट बनते हैं, इन्होंने संविधान के अंदर एक संशोधन किया और ये डिसाइड किया कि अगला राष्ट्रपति चुनाव जो होगा वो 6 साल के टर्म के लिए होगा, यानी कि जो टर्म का ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया गया 4 साल की जगह 6 साल। तो 2012 में जब चुनाव हुए तो अब चुनाव कौन लड़ता है? व्लादिमीर पुतिन। तो देखिए, दो टर्म तो लगातार हो गए लेकिन बीच में एक गैप आ गया ना, तो इस गैप के बाद फिर से व्लादिमीर पुतिन एलिजिबल है। अब अगर आप एथिकली देखते हैं तो हाँ, दो बार से ज्यादा नहीं रहना चाहिए था, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि तीसरा नॉन कंसेक्यूटिव टर्म नहीं हो सकता। तो इस लूप होल का फायदा उठाते हुए पुतिन ने फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और जीत गए आराम से और बन जाते हैं प्रेसिडेंट। और इस समय इन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया? दिमित्री मेदवेदेव को। 2018 में फिर से चुनाव हुए, ये 2024 तक के लिए हैं। अगेन पुतिन वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट और दिमित्री मेदवेदेव एज प्राइम मिनिस्टर। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 12 सालों से कैसे ये दोनों सत्ता में अदला बदली करके अपना काम चला रहे हैं। बेसिकली ये वाला जो टर्म था उसमें पुतिन ने मेदवेदेव को बिठाए रखा राष्ट्रपति की कुर्सी पर ताकि वो 4 साल बाद फिर से लौट सकें। 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें पुतिन ने बहुत ही अच्छे से ये चुनाव जीते। आप देखिए, ऑलमोस्ट 77% वोट इन्हें मिले थे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि जो इनके मेन ओपोनेंट्स थे उनको चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया। किसी ना किसी कारण से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, अपने ओपोनेंट्स को ये रशिया में रहने नहीं देते हैं, जेल में डाल देते हैं, इस तरह के कई आरोप लगे हैं पुतिन पर। तो इनके खिलाफ कोई भी सीरियस कैंडिडेट नहीं था, जो थे वो बहुत ही छोटे मोटे कैंडिडेट थे जो आसानी से हार गए। लेकिन अब रशिया की जनता में एक थोड़ा सा गुस्सा डेवलप हो रहा है, क्योंकि देखिए वो देख रहे हैं पिछले 10 सालों से एक ही पॉलिटिकल लीडरशिप है जो चली आ रही है, पुतिन मेदवेदेव, पुतिन मेदवेदेव। और अब रशिया की इकोनॉमी थोड़ी सी खराब हालत में भी है, क्योंकि 2014 में जब क्राइमिया को अपने देश में शामिल कर लिया था पुतिन ने, एनेक्स कर लिया था, उसके बाद से पश्चिमी देशों ने, खास करके यूएसए ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिसके कारण 2015 और 16 में रशिया की इकोनॉमी थोड़ी नीचे भी गई थी। तो इस इकोनॉमिक सैंक्शन के कारण रशिया की इकोनॉमी की हालत थोड़ी सी खराब है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन खराब है। और कहीं ना कहीं लोगों के जॉब्स पर असर आ रहा है और ये गुस्सा धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी पर असर डाल रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन जहां इतने सालों से काफी पॉपुलर नेता रहे हैं, वहां पर अब उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हो गई है। तो शायद पुतिन को खुद ऐसा लगने लगा कि द टाइम हैज कम फॉर अ चेंज। तो ये वो फोटो है जो रशिया की क्रेमलिन ने ऑफिशियली जारी किया है, इसमें ये है पुतिन और ये है मेदवेदेव। शायद इन्हें बताया जा रहा है कि अब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, शक्ल देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। एनीवेज, अब मैं आता हूं उन चेंजेस पर कि क्या वो बदलाव हैं जो घोषित किए गए हैं पुतिन के द्वारा। तो पहली बात तो ये जानो कि अभी तक ये बदलाव कॉन्क्रीट नहीं है, फाइनलाइज नहीं है, ये केवल प्रपोजल्स हैं, इन पर रशिया की जनता वोट करेगी। पुतिन ने घोषणा करी कि रेफरेंडम होगा, हर कोई वोट करेगा, तब जाकर ये बदलाव लागू होंगे। तो पहला प्रपोजल तो ये है कि पार्लियामेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मेंबर्स के नाम पार्लियामेंट द्वारा सुझाए जाएंगे। अभी ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति।
जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन सबके हेड को अपॉइंट किया जाएगा आफ्टर कंसल्टिंग द फेडरेशन काउंसिल, यानी कि अपर हाउस के मेंबर्स के साथ चर्चा करने के बाद ही सिक्योरिटी एजेंसी हेड को अपॉइंट किया जाएगा। इस वक्त रशिया का अपर हाउस ज्यादा पावरफुल नहीं है, इतना मेजर रोल नहीं प्ले करता है वो पॉलिटिक्स में, तो अब ये भी कोशिश करी जा रही है कि इस अपर हाउस को भी थोड़ा सा पावरफुल बनाया जाए। फिर रशिया में एक स्टेट काउंसिल नाम की बॉडी होती है जो डायरेक्टली राष्ट्रपति को एडवाइस करती है, तो ये स्टेट काउंसिल संवैधानिक नहीं है, तो अब इसे शायद संवैधानिक बनाया जाएगा, एनश्राइन किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि स्टेट काउंसिल ऑफिशियली जो एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को, वो ऑफिशियल हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि अभी रशिया में राष्ट्रपति वो बन सकता है जो पिछले 10 साल से रशिया में रह रहा हो, इस लिमिट को बढ़ाकर 25 साल कर दिया जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है, देखो रशिया में कई अरबपति जो हैं वो रशिया छोड़कर लंदन में या फिर पेरिस जैसे शहरों में रहते हैं, और वो जब चुनाव आने वाले होते हैं उससे एक साल पहले आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति का, तो इस तरह के लोग आकर चुनाव ना लड़ें, ये इसीलिए 25 साल की बढ़ाया जा रहा है, रेजिडेंसी लिमिट को बढ़ाया जा रहा है। प्रिवेंटिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हु हैव हेल्ड फॉरेन रेजिडेंसी इन द पास्ट नॉट जस्ट एट इलेक्शन टाइम, अभी ये कानून था कि जो चुनाव लड़ने आया है वो रशिया का सिटीजन होना चाहिए। अगेन कई अरबपति हैं जिन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली है, लंदन पेरिस में रहते हैं, दुनिया के दूसरे शहरों में, तो वो आकर चुनाव ना लड़ें, इसीलिए ये रूल आ गया है कि अगर आप किसी भी समय दूसरे देश के नागरिक रहे हैं तो भविष्य में आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, बेसिकली आपको आजन्म रशिया का नागरिक होना जरूरी है फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अब यह अधिकार दिया जाएगा कि वो कानूनों को रिव्यू कर सके, यानी कि जो राष्ट्रपति कानून बनाते हैं, मैंने आपको बताया वहां पर वहां की पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और राष्ट्रपति डायरेक्ट कानून भी बना सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए कानून को वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक तरह से आप समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बेंच है ये, वो रिव्यू कर पाएगा। प्रिवेंटिंग इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम बीइंग प्रायोरिटाइज्ड ओवर रशियन लॉ, तो हमेशा प्रायोरिटी रशिया के कानून को दी जाएगी ना कि इंटरनेशनल लॉज को। प्रोहिबिटिंग सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम होल्डिंग फॉरेन सिटीजनशिप, कोई भी सिविल सर्वेंट जो स्टेट के लिए काम करता है वो बाहरी नागरिक, बाहरी देश का नागरिक नहीं बन सकता है, डबल सिटीजनशिप नहीं हो सकती है। एडिंग अ प्रोविजन टू कीप मिनिमम वेजेस एंड पेंशंस अबाउ द पॉवर्टी लाइन, अब ये तो देखो एक पॉपुलिस्ट मेजर है कि मिनिमम वेज रखी जाएगी जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगी। तो अब इन सभी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए एक रेफरेंडम कराया जाएगा, जनता वोट करेगी। इस तरह का बड़ा रेफरेंडम रशिया में आखिरी बार लगभग 27 साल पहले 1993 में हुआ था, जब नया कॉन्स्टिट्यूशन जनता के सामने रखा गया वोट करने के लिए, और वही कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक लागू है। तो क्योंकि संविधान में इतने बड़े चेंजेस हो रहे हैं तो जनता फिर से इस पर वोट करेगी। ये रेफरेंडम कब होगा इसकी घोषणा नहीं करी गई है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि 2020 के अंत तक ये रेफरेंडम हो जाएगा। और अभी जो सरकार चल रही थी, जिसने कल 15 जनवरी को इस्तीफा दिया है, वो कुछ दिनों के लिए काम करती रहेगी जब तक पुतिन नई सरकार नहीं चुन लेते। नया प्रधानमंत्री तो चुन चुके हैं लेकिन कैबिनेट अभी तक डिसाइड नहीं करी है। तो कौन बनेगा रशिया का नया प्रधानमंत्री, ये व्यक्ति बनेगा मिखाइल मिशुस्तिन, ये इनका नाम है, और अभी ये फेडरल टैक्सेशन सर्विस के हेड है, मतलब आप समझो कि ये रशिया की जो टैक्स बॉडी है उसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, बताया जाता है रशिया में टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है इनके अंडर में, तो एक ब्यूरोक्रेट को या फिर एक टेक्नोक्रेट को अचानक से प्रधानमंत्री बना दिया गया है। आप समझिए ये ऐसी बात हो गई कि भारत में कल को सीबीडीटी के चेयरमैन को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ये उस तरह की बात है। तो मिखाइल मिशुस्तिन को प्रधानमंत्री क्यों बनाया है, इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये व्यक्ति पॉलिटिकल नहीं है, ना ही किसी पार्टी से एसोसिएटेड है, ना ही इनके कोई अरमान होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि पुतिन को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनकी बात आसानी से माने, उनके कंट्रोल में रहे, एक तरह से कठपुतली प्राइम मिनिस्टर हो, और मिखाइल मिशुस्तिन की छवि अच्छी है, साफ सुथरी है, बढ़िया काम किया है एज अ ब्यूरोक्रेट, तो एक तरह से ये परफेक्ट कैंडिडेट है प्रधानमंत्री के पद के लिए। अब मैं बात करता हूं कि पुतिन इतने सारे चेंजेस लेकर क्यों आए हैं। ये एक तरह से पॉलिटिकल रिटायरमेंट प्लान है व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन की इस वक्त एज है 67, 2024 में जब उनका राष्ट्रपति का टर्म खत्म होगा तब एज क्या हो जाएगी 71। अब 71 की एज पे अगर वो रिटायर होते हैं तो मान के चलिए कि कम से कम 15-20 साल तो और जिएंगे। तो इन 20 सालों में रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी, उनकी लेगेसी, सब कुछ इस पर डिपेंड करती है कि उनका भविष्य क्या है। अब पुतिन चाहे तो फिर से संविधान में संशोधन करके तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है और उन्हें भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर मैं 5वीं बार राष्ट्रपति बनता हूं तो मेरे खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जाएगा, मेरी लेगेसी खराब हो जाएगी, तो हो सकता है कि मेरे खिलाफ कू हो जाए, मेरे खिलाफ तख्ता पलट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसीलिए व्लादिमीर पुतिन एक स्लो ट्रांजिशन कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट की तरफ। उन्होंने क्या करा है, प्रेसिडेंसी को वीक कर दिया है, राष्ट्रपति के पद को थोड़ा कमजोर कर दिया है ताकि
कल को अगर कोई नया व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो वो पुतिन को पूरी तरह से रास्ते से ना हटा दे, तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पद को लगभग बराबर पावर दे दिए गए हैं अब, ताकि दोनों काउंटर वेट रहें। और पुतिन की कोशिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पद पर तो मेरा ही व्यक्ति रहे आने वाले 6 सालों तक, ताकि जो अगला प्रेसिडेंट होगा वो भी मैं धीरे धीरे चुन सकूं। तो बजाय इसके कि ऐसा रेडिकल चेंज लाया जाए जिसमें ये कह दो कि टर्म लिमिट हटा दी, कोई कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये एक रेडिकल चेंज होगा, लोगों का गुस्सा उनके खिलाफ फूट पड़ेगा, उसके बजाय मॉडरेट चेंजेस लाइए, धीरे धीरे पॉलिटी में चेंज लाइए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में चेंज लाइए, जिससे ना तो लोगों का गुस्सा इन पर आए और कंट्रोल पावर अपने हाथ में बना रहे। तो अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि आने वाले समय में पुतिन क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, राष्ट्रपति बन नहीं सकते, तो ऐसा माना जा रहा है कि एक नई पोजीशन बनाई जाएगी और जो स्टेट काउंसिल है, जो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाएगी, हो सकता है इसी रशियन स्टेट काउंसिल के वो अध्यक्ष बने रहें, उसके वो हेड बन जाएं और एक तरह से चीफ एडवाइजर बन जाएं प्रेसिडेंट के पद के। तो किसी ना किसी तरह से वो पावर में बने रहेंगे। अभी तक ये फिक्स नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, ये स्पेक्यूलेशन है, जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही है उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। तो स्टेट काउंसिल एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है टू द रशियन हेड ऑफ स्टेट, विच डील्स विद द इश्यूज ऑफ हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू द स्टेट एज अ होल। इसका रोल बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगी तो इसका रोल संवैधानिक हो जाएगा और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो पुतिन की पॉपुलैरिटी मैंने आपको बताया घटती जा रही है, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी थी जब क्रेमिया एनेक्स किया गया था 2014 में, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली डिप आया है इनकी पॉपुलैरिटी में। इनफैक्ट जो 2019 दिसंबर के लेटेस्ट सर्वेज हैं वो ये बताते हैं कि 33% तक इनकी पॉपुलैरिटी जा चुकी है। तो कुछ सर्वे तो जनवरी 2019 यानी आज से एक साल पहले ही ये बताने लग गए थे, लेकिन दिसंबर में तो कई सर्वेज ने ये बोला है कि पुतिन की पॉपुलैरिटी इज एट एन ऑल टाइम लो। जनरली व्लादिमीर पुतिन की पॉपुलैरिटी रशिया में 80-70% के आसपास रहती है, तो अभी 33% बहुत ही कम नंबर है पुतिन के लिए, तो उन्होंने सही टाइम पे अपना रिटायरमेंट प्लान घोषित कर दिया है। जाते जाते आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कि रशिया की स्टेट एनर्जी एंड गैस कंपनी का नाम क्या है। जैसे भारत में ONGC है, सरकारी उपक्रम जो तेल और गैस की खोज करता है, वैसे ही रशिया की उस कंपनी का नाम बताइए जो स्टेट कंपनी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।